सिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। तो जो खाना बनाने का प्रोसेस होता है प्लांट में, प्लांट जिस तरीके से अपना खाना बनाता है उस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। प्लांट जिस तरीके से अपना खाना बनाता है, जिस प्रोसेस से प्लांट अपना खाना बनाता है उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। लीव्स जो होती हैं आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। तो खाना बनाने की फैक्ट्री कहाँ होती है प्लांट में, लीव्स में। खाना प्लांट में बनता है लीव्स में। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। फूड फैक्ट्री का मतलब हो गया जहाँ पर खाना बन रहा है। देयरफोर जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उनको कहाँ पहुँचना पड़ेगा, उनको तो लीव के पास पहुँचना पड़ेगा क्योंकि प्लांट खाना तो लीव में बनाते हैं। वाटर मिनरल्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उनको कौन एब्जॉर्ब करता है, उनको रूट्स अब्सॉर्ब करती हैं और लीव्स तक पहुंचा देती हैं। तो देखिए ये रूट्स हो गई प्लांट की, ये ज़मीन के नीचे होती हैं। तो ज़मीन में से वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, ये इसमें से लेती हैं और प्लांट के पत्तियों तक पूरा का पूरा पहुंचा देती हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। लीव्स जो होती है ना उनके सर्फेस पर छोटे छोटे से टाइनी पोर, पोर मतलब होता है छेद, छोटे छोटे से छेद प्रेजेंट होते हैं, वो हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो लीव पर छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन छोटे छोटे से पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम उन पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। और इन पोर्स को सराउंड करते हैं, इन पोर्स के बाहर इनको प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला हम बॉक्स देख लेते हैं, सेल। सेल क्या होता है भाई, वी हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। हम लोगों ने देखा है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वो ईंटों से बनी होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही सिमिलरली बॉडी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो भी छोटे छोटे से यूनिट से बनी होती है, टाइनी यूनिट्स। हमारी बॉडी छोटी छोटी यूनिट से बनी होती हैं और उन यूनिट को हम बोलते हैं सेल। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। सेल को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं, ठीक है, उनको हम सिंगल सेलुलर बोलते हैं। और सेल इज एनक्लोज्ड बाय थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सेल है, सेल के बाहर बाउंड्री सी होती है, जो ये बाउंड्री होती है ना सेल के बाहर उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। तो ये इससे करके होता है सेल, इसके बाहर क्या होता है सेल मेम्ब्रेन होता है और सेल के बीचों बीच एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। तो सेल जो है उसके बाहर होती है सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल, और सेल के बीच जो बीच एक छोटा सा होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस जो है उसके बाहर जेल जैसा सब्सटेंस होता है, जेली जैसा सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस के बाहर, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के बाहर जो है जेल जैसा सब्सटेंस होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया सेल, इसके बीच में न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म और इसके बाहर क्या होती है सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और जो हमारा खाना कहाँ बनता है प्लांट का, प्लांट का खाना तो लीव्स में बनता है। लीव्स में क्या होता है, लीव्स में छोटे छोटे से पोर होते हैं, उन छोटे छोटे से पोर्स को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के चारों तरफ गार्ड सेल होता है और इस स्टोमेटा की हेल्प से ही हम लोगों की हवा जो है ट्रांसफर हो पाती है लीव्स में, ठीक है। वाटर और मिनरल्स कहाँ से आ गए, रूट्स की हेल्प से। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ गई, लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट है उससे। वाटर एंड मिनरल्स जो हैं लीव्स को ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं बाय द छोटी छोटी पत्ती पत्ती वेसल्स जैसी होती है ऐसे करके, विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट। पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है और उसकी हेल्प से स्टेम में पहुंच जाता है, स्टेम से ब्रांचेस में और ब्रांचेस से लीव्स में पहुंच जाता है, ठीक है। दे फॉर्म अ कंटीन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव, दे आर कॉल्ड वेसल्स। तो रूट्स होती हैं हमारी, रूट से हम लोगों के स्टेम में जाता है, स्टेम से हमारी ब्रांचेस होती हैं, फिर
हमारी लीफ बनी हुई होती है ना। तो वाटर एंड मिनरल्स वेसल्स, पतली पतली सी वेसल्स की हेल्प से रूट से स्टेम में जाता है, स्टेम से ब्रांचेस, से ब्रांचेस में और ब्रांचेस से लीव्स में पहुंच जाता है। और हम लोग और प्लांट्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है वो हम 11 चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। इससे और ज़्यादा अगर हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आगे 11 चैप्टर आएगा, उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आगे इसमें बताते हैं, ग्रीन लीव्स, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। आपको ज़्यादातर लीव्स जो है वो कौन से कलर की दिखती हैं, वो हमें ग्रीन कलर की दिखती हैं, है ना। तो लीव जो होती है ना उसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे वाली क्लास में बहुत ही काम आने वाली है, इस क्लास में भी आएगी। तो क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है ना वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि लीव्स में, पत्तियों में प्रेजेंट होता है। इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर एनर्जी ऑफ सनलाइट। ये क्लोरोफिल ही है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है और सनलाइट को कैप्चर करने में, सनलाइट को पकड़ने में, यूज करने में हेल्प करता है। दिस, और ये जो सनलाइट एनर्जी होती है ना, इट इज़ यूज टू सिंथेसाइज। सिंथेसाइज का मतलब होता है तैयार करने में, प्रिपेयर करने में फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो लिया है लीफ ने, वो किसकी मदद से प्रिपेयर कर पाता है खाना, वो सनलाइट। तो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसकी मदद से लीव्स खाना प्रिपेयर कर पाती हैं। सिंस सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन होकर के बन जाना। तो जो खाना बन रहा है लीफ में वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से बन रहा है। तो सनलाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ताकि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट कर पाए, इसलिए खाना बनने के प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का क्या काम होता है सोची सोची, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल और ये सनलाइट को कैप्चर करते हैं। और क्लोरोफिल नहीं होगी तो सनलाइट कैसे कैप्चर होगी। तो क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर, मिनरल्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये काफ़ी यूनिक, काफ़ी अलग सा प्रोसेस है जो कि अर्थ पे होता है। सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम की जो एनर्जी है वो लीव्स कैप्चर करती हैं और अपने प्लांट में फूड के तौर पर स्टोर कर देती हैं। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल द लाइफ फॉर्म्स इन द अर्थ, मतलब जितनी भी हमारी अर्थ पे जिंदगी मौजूद है वो किसकी वजह से है, वो सनलाइट की वजह से है। क्योंकि अगर सनलाइट नहीं होगी तो पेड़ खाना नहीं बना पाएंगे, और अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो हम कैसे होंगे। क्योंकि देखिए, पेड़ खाना नहीं बनाएंगे तो कोई जानवर उसे कैसे खाएगा, इंसान उसे कैसे खाएंगे। आप सोच रहे होंगे पेड़ नहीं होंगे तो हम जानवर खा लेंगे, मगर जानवर क्या खाते हैं, जानवर तो पेड़ खाते हैं ना। क्योंकि शेर को अगर वो खाना है, डियर, हिरन खाना है, तो हिरन को तो पहले घास खानी पड़ेगी ना। तो इसलिए सनलाइट जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी है ऑन दिस अर्थ, ठीक है। हम लोग अपनी लाइफ को बिना फोटोसिंथेसिस के इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस तो कोई भी खाना, बिल्कुल खाना नहीं होगा और सर्वाइवल, हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। बिसाइड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना हमारे जिंदा रहने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, है ना। तो सारी की सारी ऑक्सीजन जो हमें कैसे मिलती है, वो हमें प्लांट से मिलती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन दिस अर्थ। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या क्या होता है, अभी हम ये वाला ब्लू बॉक्स भी देखेंगे। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। तो क्या होता है, देखिए लीफ में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल से वो सनलाइट को लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 लिखते हैं, वाटर हमारा H2O होता है, सनलाइट या फिर क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिलता है। कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो एनर्जी होती है, मतलब जिसकी हेल्प से, मतलब आप समझ लीजिए खाना जो होता है ना प्लांट का, वो यही कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो
ये हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको आपको याद रखना है। ये इक्वेशन जो है ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट जो कि खाना होता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट्स ये जो है हमारी लाइफ के लिए, हम अर्थ पर जो ये धरती है इस पर हमारी एग्जिस्टेंस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, और प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। तो स्टार्च क्या होता है? स्टार्च जो कि प्लांट्स में बनता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, वो एक कार्बोहाइड्रेट होता है। हम लोगों ने सिक्स क्लास पता था, थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो में बताया था, बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट है एक कार्बोहाइड्रेट। फैट, मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? स्टार्च की फॉर्म में। प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट होता है वो स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग ये ब्लू बॉक्स पढ़ते हैं। बिसाइड्स लीव्स, फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। तो लीफ में तो होता ही है फोटोसिंथेसिस, बाकी और पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के उसमें भी होता है। जो ग्रीन कलर की स्टेम होती हैं, ग्रीन कलर की ब्रांचेस होती हैं, वहाँ पे भी होता है। डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। देखिए इसका क्या मतलब है, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, जो कैक्टस का प्लांट होता है ना, मेनली कहाँ पे होता है? राजस्थान या फिर सूखे इलाकों में। उसमें क्या होता है? कांटे, जो स्पाइक है ना, स्पाइन लाइक लीव्स, ये जो कांटे होते हैं ना, यही कैक्टस की वो होती है पत्तियाँ। कैक्टस की लीव क्या होती है? ये स्पाइन होती है, और ये लीव ऐसे कांटों में कन्वर्ट हो जाती है ताकि ट्रांसपिरेशन लॉसेस से बचाया जा सके। देखिए ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है पेड़ों में से जो पानी भाप बन के उड़ जाता है ना, उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। पेड़ों में से पानी का भाप बन के उड़ जाना ट्रांसपिरेशन कहलाता है। और देखिए राजस्थान या फिर सूखे इलाकों में पानी की कमी होती है, तो पेड़ जो है ना उसकी पत्तियां क्या होती हैं, कांटों में कन्वर्ट हो जाती है ताकि वो ट्रांसपिरेशन लॉसेस से बच पाए। और बाकी वो ग्रीन कलर का होता है ना, ज़्यादातर जो कैक्टस होता है वो ग्रीन कलर का होता है, तो ग्रीन कलर का इसलिए होता है ताकि वो पूरा का पूरा प्लांट ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट कर पाए। ये हो गया।